2012 में एक पिता ने अपनी 20 साल की बेटी को तलवार से गर्दन काटकर मार डाला था। कोई भी कानून इंटरकास्ट मैरिज पर रोक नहीं लगा सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 अपने सिटीजंस को राइट देता है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सके। परिवार के एल्डेस्ट मेल मेंबर को ये अधिकार था कि वो अपनी एक सेक्सुअली एक्टिव अनमैरिड डॉटर को जान से मार दे। जो पेरेंट्स ये क्राइम करते हैं उन्हें कोई पछतावा भी नहीं होता। फ्रीडम हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। जिसे अपनी संतान के सच्चे प्रेम से अधिक झूठे मान की पड़ी हो वो पिता नहीं हो सकता। ऑनर किलिंग इज राइट टू मैरी अ फंडामेंटल राइट। सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 5 जजों की एक बेंच ने कहा दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। पर इससे रिलेटेड एक बार आर्टिकल 21 को समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 अपने सिटीजंस को राइट देता है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकें। ये स्पेशल राइट सिर्फ कानून द्वारा छीना जा सकता है, किसी और के द्वारा नहीं, यहाँ तक कि फैमिली के द्वारा भी नहीं। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग राइट टू मैरी राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है। केस ऑफ लता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश पहला केस था जिसने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लड़की बालिग है तो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करने का अधिकार है और कोई भी कानून इंटरकास्ट मैरिज पर रोक नहीं लगा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सोसाइटी के नॉर्म्स किसी भी व्यक्ति के जीवन में बाधा नहीं बनने चाहिए, यहाँ तक कि अगर माता पिता चाहते हैं तो वे अपने बच्चे से सारे संबंध और सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें धमकी नहीं दे सकते और ना ही उनके साथ हिंसा कर सकते। ये वीडियो हर उस लड़की और उस लड़के के लिए जो ऑनर किलिंग के सर्वाइवर हैं, किसी तरह से उनकी जान बच गई, और उनके लिए भी जिनके साथ शायद कभी फ्यूचर में ऐसा हो। Although I pray कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, मैं इन सब के बिहाफ पर हर एक पेरेंट से कहना चाहती हूँ दैट प्लीज डोंट किल अस। वी वॉन्ट टू लिव, वी हैव द राइट टू लिव। इंटेंशनली कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को कभी हर्ट नहीं करना चाहता अपने किसी भी एक्शन से। बट वेन यू पुट बाउंडेशंस ऑन अस कि हमेशा घर पर रहना है, बाहर नहीं जाना, सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है, इस उम्र के बाद शादी करनी है, लड़कों से दूर रहना है, स्कूल कॉलेज में कुछ काम है तो सिर्फ लड़कियों से पूछो, व्हाट द हेल दिस इज। क्यों भाई, यू डोंट रियलाइज, हमें घुटन फील होती है। एंड जब ये सारी बाउंडेशंस लगातार बड़े होने तक हम पर लगती हैं, उस वक्त ना फ्रीडम हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। कुछ मिले या ना मिले, पैसे भले ही कम हो, लेकिन फ्रीडम चाहिए भाई। और बस यहीं से घर में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और ऑनर किलिंग इसका एक एक्सट्रीम रिजल्ट है। साथ ही यही शब्द हमारा आज का टॉपिक भी है, ऑनर किलिंग, हमारे घर की इज्जत। ये फ्रेज इतने बड़े और जघन्य अपराध का रूट कॉज है। ऑनर किलिंग का मतलब है सो कॉल्ड ऑनर, दैट इज इज्जत को बचाने के नाम पर की गई हत्या। जिसे अपनी संतान के सच्चे प्रेम से अधिक झूठे मान की पड़ी हो वो पिता नहीं हो सकता। ऑनर किलिंग में माँ बाप या दोनों अपनी लड़की या लड़के को जान से मार देते हैं, मतलब खुद के ही बच्चों की हत्या कर देते हैं अलग अलग कारणों की वजह से। जैसे कि अगर उनके बच्चे में से किसी ने उनकी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरी कास्ट में शादी कर ली, या किसी दूसरे रिलीजन में, या फिर सेम गोत्र में ही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा गोत्र चिकारा है और मैं किसी चिकारा गोत्र वाले बंदे से ही शादी कर लूं। साथ ही अगर बच्चा शादी से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में है तब भी माँ बाप द्वारा ये अपराध किया जाता है। फैक्ट्स ही कहते हैं कि इस क्राइम की 97% विक्टिम्स वुमेन ही होती हैं और इन्हें ज्यादातर घर के मेल्स द्वारा ही मारा जाता है, जैसे कि लड़की का भाई, उसके पापा, चाचा या ताऊ। ये क्राइम बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्टेड है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने एस्टिमेट निकाला कि पूरी दुनिया में हर साल 5,000 लोगों की ऑनर किलिंग के चलते हत्या की जाती है। रिपोर्ट्स में पता चलता है कि ये क्राइम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी दुनिया की आधी से ज्यादा ऑनर किलिंग्स पाकिस्तान और इंडिया में होती हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 40% ऑनर किलिंग्स इंडिया के नदन पार्ट्स में होती हैं। 2010 में एक इंडियन सर्वे के हिसाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 900 ऑनर किलिंग्स कमिट की गई थी। बल्कि एडवा के सर्वे के अकॉर्डिंग तो इंडिया की 30% ऑनर किलिंग्स वेस्टर्न यूपी में होती हैं। राजस्थान में भी ऑनर किलिंग के बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। एक बार जून 2012 में एक पिता ने अपनी 20 साल की बेटी को तलवार से गर्दन काटकर मार डाला था, जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एक लड़के को डेट कर रही है। अनबिलीवेबल, लाइक सो ब्रूटल।
तमिलनाडु में भी ये ऑनर क्राइम्स देखे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर कौन सी कास्ट के लोग सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग्स में इन्वॉल्व हैं? ऑल्दो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, पर काफी रिसर्च बताती है कि मोस्ट कॉमन परपेट्रेटर्स हायर कास्ट के होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण्स, राजपूत, जाट, ठाकुर्स, और ये लोग अपनी बेटी के साथ साथ इंटरकास्ट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व लोअर कास्ट बॉयज को भी टारगेट करते हैं। कई देशों की हिस्ट्री में और उनके लिटरेचर वर्क्स में ऑनर बेस्ड वायलेंस की छाप दिखाई देती है। ऑनर किलिंग को एंशियंट रोमन टाइम से ही जाना जाता है, जब परिवार के एल्डेस्ट मेल मेंबर को ये अधिकार था कि वो अपनी एक सेक्सुअली एक्टिव अनमैरिड डॉटर या मैरिड वाइफ को जान से मार दे। साथ ही ऑनर किलिंग क्राइम्स आर वेल नोन इन मेडिवल यूरोप, जहां अर्ली ज्यूइश लॉ में सेक्सुअली एक्टिव वाइफ और उसके पार्टनर को पत्थर मार मार कर जान से मार देना कंपल्सरी था। एंशियंट एजेस से ही भारत में ऑनर किलिंग की शुरुआत हो गई थी। तब से ही लोग अपने परिवार के लोगों की ये कहकर हत्या करते हैं कि वो ये बस अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं। काफी टाइम से ऑनर किलिंग एक जेंडर बेस्ड क्राइम के रूप में सामने आया है और इसे सोसाइटी में औरतों पर पेट्रियार्कल डोमिनेंस को रिटेन करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। कुछ मामलों में औरतों के साथ साथ आदमियों की भी हत्या की जाती है अगर वे होमोसेक्सुअल हैं तो, मगर मेजॉरिटी केसेस में औरतों को ही मारा जाता है। अब हम जानेंगे कि आखिर ऑनर किलिंग क्यों की जाती है। लड़की ने ऐसा क्या किया होता है कि उसके माँ बाप उसे जान से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं? जिन कंडीशंस में ऑनर किलिंग की जाती हैं वो हैं शादी से बाहर लड़की की वर्जिनिटी लूज होना, शादी से पहले प्रेग्नेंट होना, बॉयफ्रेंड का होना, अपने हस्बैंड को धोखा देकर कहीं बाहर अफेयर चलाना। नेक्स्ट है अडल्ट्री, मतलब दो इंडिविजुअल्स का कंसेंट के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाना, अनअप्रूव्ड रिलेशनशिप होना, लड़की का लेस्बियन या लड़के का गे होना, अरेंज मैरिज करने से मना कर देना, शादी के बाद डाइवोर्स मांगना, डाइवोर्स के वक्त बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ना, बिना परमिशन के अपने घर को या ससुराल को छोड़कर चले जाना, सोसाइटी में डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट होना, लड़की का अपनी मर्जी के हिसाब से कपड़े पहनना, या फिर रेप का विक्टिम होना। ये सब पॉसिबल रीजंस हैं, लेकिन इनके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं। ऑनर किलिंग का सबसे बड़ा और मेन कारण है लड़की का खुद की मर्जी से किसी दूसरे कास्ट या दूसरे रिलीजन में शादी कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर लड़की ब्राह्मण है और वो दलित फैमिली के लड़के से शादी कर ले, या फिर जैसे अगर हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर ले, ऐसे में लड़के की जान को भी खतरा हो सकता है। अपर कास्ट लोग अपनी कास्ट के सो कॉल्ड ऑनर को बनाए रखने के लिए इंटरकास्ट मैरिजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, और इसीलिए अगर कोई अपर कास्ट फैमिली की लड़की लोअर कास्ट लड़के से शादी करती है तो अपर कास्ट फैमिली को लगता है कि हमारी कोई इज्जत नहीं रही, इसीलिए अब लड़की को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, फिर चाहे वो खुद की बेटी ही क्यों ना हो, which is disastrous and not right before law. साथ ही रिसर्च बताती है कि ऑनर किलिंग मेनली उन माँ बाप और उनके रिलेटिव्स द्वारा की जाती है जो एक डोमिनेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। ऐसे सिचुएशंस में पुलिस का रोल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो मार्जिनलाइज्ड कास्ट के विक्टिम्स को न्याय दिलाएं। यू नो व्हाट, सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या है, जो पेरेंट्स ये क्राइम करते हैं उन्हें कोई पछतावा भी नहीं होता, इन फैक्ट दे फील प्राउड अबाउट इट। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ बहुत सही किया है, अपनी जाति या धर्म की इज्जत को रिस्टोर किया है। यूजुअली इन केसेस में परिवार के किसी एक दो व्यक्ति ने ये क्राइम किया होता है, लेकिन फिर भी पूरे परिवार के सदस्य उसे कवर अप करने की कोशिश करते हैं, वो भी ये जानते हुए दैट इट्स अ क्राइम। हमें ये भी लग सकता है कि शायद जो पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे उनकी सोच ऐसी होगी, लेकिन बल्लारी से एक सोशल एक्टिविस्ट चला वेंकटा रेड्डी बताते हैं कि एजुकेटेड पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स भी ये क्राइम करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन। अब सवाल ये बनता है कि जिस इज्जत के नाम पर माँ बाप अपने बच्चों को जान से मार देते हैं, क्या ऐसा करने के बाद सच में उनकी खोई हुई इज्जत उन्हें वापस मिल जाती है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसके बाद मारने वाले को जेल की हवा खानी पड़ती है। दूसरा सवाल ये है कि क्या किसी ट्राइब या फैमिली की इज्जत इतनी ज्यादा जरूरी है कि ये लोग अपने ही परिवार के लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस नहीं समझ पाते और उन्हें ही मौत के घाट उतार देते हैं। सो ऑनर किलिंग के टॉपिक पर ये वीडियो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है।
इस वीडियो में हमने पेरेंट्स को एक मैसेज दिया, ऑनर किलिंग की हिस्ट्री जानी, ये भी जाना कि किन कारणों से माँ बाप अपने बच्चों की हत्या करते हैं। लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में हम ऑनर किलिंग की ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ जानेंगे। टू बी कॉन्टिन्यूड सून। धन्यवाद। जय हिंद।